हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे वेट लॉस के बारे में और मैं आपसे शेयर करूंगी 10 ऐसे सिंपल चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफ में कर लिए हैं विच हैव बीन हेल्पिंग मी टू लूज वेट इन अ कंसिस्टेंट एंड ईजी मैनर। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेरी वेट लॉस जर्नी को शुरू हुए हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं। 6 हफ्ते पहले मेरा वेट हो गया था 80.3 kg और मेरी हाइट है 5 feet 3 inch। तो अगर आप BMI कैलकुलेटर यूज़ करके चेक करोगे तो ये काफ़ी स्कैरी वेट है मेरे जैसी हाइट और मेरी एज के लिए। इसीलिए आई डिसाइडेड कि मुझे अब इसके लिए कुछ करना है। इट इज़ हाई टाइम एंड थैंकफुली ये जो वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट करी इन कंसल्टेशन विद माई ओन फ्रेंड जिसको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ और जो एक लाइफस्टाइल कोच भी हैं, उनका नाम है बिप्लव मुखर्जी। आप उनसे मेरे वीडियोज़ में ऑलरेडी मिल चुके हो, हमने वेट लॉस से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ किए हैं साथ में, बट उनका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम है रॉक एंड रोल रनर। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है, आप वर्कआउट्स ढूंढ रहे हो या हेल्दी रेसिपीज़ ढूंढ रहे हो या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहते हो तो प्लीज़ उनके चैनल को विजिट करो एंड यू विल फाइंड वेरी यूजफुल वीडियोज़ देयर। तो अब आपको बताती हूँ 10 ऐसी चेंजेस जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में किए हैं और उसके बाद रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला चेंज जो मैंने day 1 से कर लिया था वो था नो शुगर। मैंने शुगर को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर दिया है। एंड शुरू में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, थोड़े मूड स्विंग्स भी होते थे, एकदम से एनर्जी डाउन भी होती थी, बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैं बहुत डिटरमाइंड थी कि मुझे शुगर नहीं लेना है, बिकॉज शुगर मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा कल्प्रिट था। मैं इतना ज़्यादा शुगर ले रही थी कि मुझे पता था ये छोड़ने से सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। उसका ऑल्टरनेट काफ़ी लोग हनी लेते हैं, जैगरी लेते हैं, बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे बिल्कुल शुगर नहीं लेना है। तो आई एम ऑन 0 sugar फ्रॉम लास्ट 6 weeks। सेकेंड चेंज है, मेरी दूध वाली चाय मैंने रिप्लेस कर दी। आप लोगों को पता है कि मुझे दूध वाली चाय कितनी पसंद है, इनफैक्ट मेरी मॉर्निंग्स उस चाय के साथ ही शुरू हुआ करती थी, बट मैंने उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया, बिकॉज दूध वाली चाय बिना चीनी के पीना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। तो उसका ऑल्टरनेटिव मैंने लिया ब्लैक कॉफ़ी, जिसमें मैं कुछ भी स्वीटनर नहीं डाल रही हूँ, और ग्रीन टी। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं दिन में 2 बार एटलीस्ट ग्रीन टी पीऊँ और दिन में 1 बार एटलीस्ट ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीऊँ, एंड ऑल ऑफ दिस विदाउट एनी स्वीट। थर्ड चेंज है 30 minutes ऑफ वॉक। गाइस, आप लोगों को पता है कि मेरे पास टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास टाइम होता लाइफ में तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, बट अभी मेरी प्रायोरिटीज़ बेटे के साथ, फैमिली के साथ, काम के साथ बहुत अलग हैं। तो मुझे दिन में आधा घंटा मिलता है और उस आधे घंटे में वॉक मेरा मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रहा है, क्योंकि मैं इतने टाइम से कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, तो मैं बहुत सिंपल से स्टार्ट करना चाहती थी। तो 30 minutes वॉक से मैंने स्टार्ट किया। शुरू में मेरी जो स्पीड थी वो काफ़ी स्लो थी, तो मैं 5000 स्टेप ही चल पाती थी, बट धीरे धीरे करके मैंने उसे 5000 से 8000, 8000 से 10000 पे मैं ले आई हूँ। एंड दिस इंक्लूड्स आधे घंटे का वॉक, प्लस मैं जो घर में इतना वॉक करती हूँ तो अपनी स्मार्ट वॉच को यूज़ करके मैं ट्रैक करती रहती हूँ कि मेरे 10000 स्टेप्स हुए हैं या नहीं, अभी मेरे माइंड में आ गया है। तो इस तरीके से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं 10000 स्टेप्स डे पे आ चुकी हूँ। नेक्स्ट चेंज है डिनर। पहले मेरा डिनर अराउंड 9:30-10 बजे हुआ करता था, जिसको मैंने कम्प्लीटली चेंज कर लिया है और अब मैं डिनर कर लेती हूँ मैक्स बाय 8 o'clock। 8 बजे के बाद मैंने रूल बना लिया कि मुझे बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं लेना है, तो नो सॉल्ट आफ्टर 8 o'clock, ये मेरा रूल है। मैं रात को चपाती भी खाती हूँ, सब्ज़ी भी खाती हूँ, दही भी खाती हूँ, बट मैं 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाती हूँ, तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। नेक्स्ट चेंज है सम वेट लॉस ड्रिंक्स जो मैंने अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करी, जैसे मॉर्निंग स्टार्ट करना जीरा वाटर के साथ, दोपहर को एप्पल साइडर विनेगर लेना, रात को सिनेमन ड्रिंक लेना। ये जो सिनेमन ड्रिंक और जीरा वाटर की मैं बात कर रही हूँ, इनके वीडियोज़ ऑलरेडी रॉक एंड रोल रनर यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप वहाँ जाके इनकी रेसिपीज़ देख सकते हैं। बट इस तरीके से मैंने अपने डेली रूटीन में कुछ ड्रिंक्स ऐड करी जिन्होंने अगेन मेरे वेट लॉस प्रोसेस को बढ़ा दिया। नेक्स्ट चेंज है पोर्शन कंट्रोल। तो पहले मेरा ध्यान नहीं होता था कि मैं क्या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, और जिस वजह से मैं काफ़ी ओवर ईट भी कर लेती थी और बैलेंस डाइट पे इतना फोकस अपने लिए नहीं करती थी। बट अब मैं अपनी प्लेट को वॉच करती हूँ, मैं अपनी मील्स को ट्रैक करती हूँ, मैं देखती हूँ कि हर मील में मैं कितनी कैलोरी ले रही हूँ, हर मील में मैं कितना प्रोटीन ले रही हूँ, कितना कार्ब्स ले रही हूँ, तो बेसिकली पूरा न्यूट्रिशन ट्रैक भी करती हूँ, जिसकी वजह से ये जो पूरा पोर्शन है ये मेरे लिए काफ़ी फिलिंग भी हो जाता है और मुझे एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी देता है।
नेक्स्ट चेंज है एडिंग ब्रांड टू माई फ्लावर। तो हमने इस बारे में विप्लव के साथ जब फर्स्ट वीडियो किया था उस बारे में बात भी करी थी कि हमें अपने जो हम आटा लेते हैं उसमें ब्रांड ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी वही रोटी जो हम खा रहे हैं उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, और फाइबर आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और अगर आप लोग वेट लॉस देख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अब क्या होता है कि पहले जब मैं दो रोटी नॉर्मल आटे की खाती थी, ब्रांड ऐड करने के बाद एक रोटी ही मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट होती है, मुझे दूसरी रोटी खाने की अर्ज ही नहीं होती। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा चेंज रहा है। इनफैक्ट हमारा सारा घर अब ब्रांड वाले आटे की ही रोटी खाता है। नेक्स्ट चेंज है वाटर इनटेक। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जिसको हम सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं। पहले मैं 4 ग्लास पानी पीती थी, 5 ग्लास पानी पीती थी, जब प्यास लगती थी तब मैं पानी पीती थी। अब मैंने अपने लाइफस्टाइल को काफ़ी चेंज कर लिया है, अब मैं प्यास लगने से पहले पानी पीती हूँ। ये टिप भी मेरे साथ विप्लव ने ही शेयर किया था। तो मॉर्निंग में सुबह उठते ही पानी पीने से लेकर रात तक इंटरवल्स में पानी का इनटेक लेते रहने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, मेरी बॉडी मेरी स्किन भी हाइड्रेटेड रहती है। इन 6 हफ्तों में जहाँ मेरा वेट लॉस हुआ उसके साथ मेरा इंच लॉस भी हुआ, और मैंने अपनी स्किन और हेयर में एक्चुअल में और अच्छा इंप्रूवमेंट देखा रैदर देन दे बिकमिंग डल। तो वाटर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कई बार जो हमें एक वो बिंज वाली भूख लग रही होती है उसको वाटर जो है वो काट देता है, एंड वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी। तो वाटर इनटेक हैज़ रियली हेल्प मी। अब मैं दिन में 10 to 12 glasses ऑफ वाटर ज़रूर लेती हूँ। नेक्स्ट चेंज है लो कैलोरी स्नैक्स। सो गाइस, पहले जिस तरह से मैं खाना खाती थी, जैसे हम लोग खाते हैं, मैं 3 meals लेती थी, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, और उसके साथ मैं मिड मॉर्निंग स्नैक और इवनिंग स्नैक भी लेती थी। शाम की चाय पीनी है तो साथ में कुछ स्नैकर ज़रूर होना चाहिए, पार्क से बच्चे के साथ खेल के आए हैं, भूख लगी कुछ खा लिया, और डिनर रात को 10-11 बजे करेंगे, दोपहर को 11:30-12 बजे कोल्ड कॉफ़ी पी ली जिसमें 3-4 चम्मच शुगर है। तो मैंने नोट किया जो मेरे स्नैक्स है वो एक्चुअली काफ़ी हैवी हो रहे थे। इतने हैवी स्नैक्स की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, स्पेशली अगर मैं कैलोरीज को वॉच कर रही हूँ और मैं अपने फूड इनटेक को वॉच कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने स्नैक्स को एक्चुअल में बिल्कुल लो कैलोरी कर लिया, जिससे मैं कुछ खा भी रही हूँ बट उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। तो अब जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैं नींबू पानी लेती हूँ बट उसमें शुगर नहीं लेती, सिर्फ सॉल्ट वाला लेती हूँ। मैं कोकोनट वाटर ले लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो मैं एक फ्रूट ले लेती हूँ, जिससे कि नेचुरल शुगर मेरी बॉडी को मिले बट कुछ हैवी चीज़ मेरी बॉडी में ना जाए। ऐसे ही इवनिंग में मैं मुट्ठी भर के मखाने ले लेती हूँ, काले चने ले लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, क्वांटिटी वॉच करके। बट फ्रॉम फ्राइड चटपटा मीठा स्नैक्स आई हैव कम डाउन टू वेरी क्लीन स्नैक्स दैट आर एक्चुअली गुड फॉर माई बॉडी ऑल्सो एंड आर गुड फॉर माई गोल फॉर लूजिंग वेट ऑल्सो। एंड द लास्ट चेंज इज 10 to 15 minutes ऑफ वर्कआउट। ये ओवर एंड अबव मेरी वॉक है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब वॉक करते हुए मेरी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है, मेरी स्पीड बढ़ गई है, बट वॉकिंग का मेरे पास 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो घर में भी मुझे कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ वर्कआउट अब करना चाहिए, क्योंकि मैं इतने सारे किलोज ऑलरेडी लूज़ कर चुकी हूँ। तो धीरे धीरे मेरी बॉडी को टोनिंग की भी ज़रूरत होगी, और जो मेरे प्रॉब्लम एरियाज हैं जैसे मेरी आर्म्स काफ़ी हैवी हैं, अभी भी बेली फैट है, तो ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे मुझे शेप में लाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे कुछ फॉर्म ऑफ वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो 10 से 15 मिनट से अभी मैंने स्टार्ट किया, बहुत स्लो स्टार्ट कर रही हूँ, बट धीरे धीरे जाके मैं इसको भी बढ़ाऊंगी। अगेन आई टेक कंसल्टेशन विद विप्लव ऑन व्हाट कैन आई डू ऑन दिस, बट मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वो 10 मिनट ही मुझे इतना ज़्यादा स्वेट कराता है जो मुझे 30 मिनट ऑफ वॉक में भी शायद नहीं मिलता। तो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मे बी दिस इज गोइंग टू बी फेज 2 ऑफ माई वेट लॉस जर्नी, बट लेट्स टॉक अबाउट इट इन फ्यूचर। सो गाइज, बस ये 10 सिंपल चेंजेस करने से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने लास्ट 6 weeks में कंसिस्टेंटली वेट लूज किया वीक ऑन वीक, एंड मैं अब 7.5 किलो वेट लूज कर चुकी हूँ। मैं अपने आप को वैसे देख रही हूँ जैसे मैंने आज से 2 साल पहले अपने आप को देखा था। लास्ट 2 साल में मेरा वेट सिर्फ बढ़ा है, और लास्ट 6 हफ्ते में मेरा वेट कंसिस्टेंटली बिना कोई डाइट किए, बिना कोई हार्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज किए कम हो रहा है। सो आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छी बात है, बट आप में से कुछ लोग शायद डिसअपॉइंट भी हो रहे होंगे कि बहुत बड़ी बात थोड़ी है 6 हफ्ते में 7.5 किलो लूज़ करना। बट ट्रस्ट मी गाइस, फॉर मी जिसके पास बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं है, जिसकी इतनी सारी प्रायोरिटीज़ हैं, जो सोच भी नहीं सकता था कि मैं शायद इस टाइम पर वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट कर पाऊँगी, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स दैट आई एम गेटिंग। मुझे स्लो करना है, मुझे कंसिस्टेंटली करना है, मुझे ऐसे वेट लूज़ करना है कि ये दोबारा मेरे
ऊपर चढ़ नहीं जाए. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. आई एम लूजिंग वेट, आई एम लूजिंग इंचेस. मैं ऑलरेडी एक साइज डाउन आ चुकी हूँ इन टर्म्स ऑफ माई क्लोथ्स शॉपिंग. माई मूड इज गुड, माई एनर्जी इज गुड, आई एम नॉट लूजिंग दैट एट ऑल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई एम गेटिंग सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. सो ओवरऑल आई एम ऑन क्लाउड 9. तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगी कि डाइट वाइट छोड़िए, सबसे पहले इन 10 चेंजेस को कीजिए. आने वाले टाइम में फेज 2 में शायद मुझे अपने डाइट में थोड़े चेंजेस करने पड़े, मुझे थोड़ा हार्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस भी करना पड़े अगर मुझे एक अलग गोल पे जाना है, जो कि मेरा गोल है, मैं आपसे आगे जाके शेयर करूंगी. बट एज ऑफ नाउ शुरुआत जो है वो स्लो होना ही जरूरी है. कंसिस्टेंसी इज द की. एंड मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी वेट लॉस, वेट गेन, लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग. बिप्लव के चैनल को जाके जरूर देखिए, आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉमकॉम इंडिया गाइस. स्टे ट्यून्ड टू आवर वेट लॉस सीरीज. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा. अगर आपको हमारी वेट लॉस सीरीज के पहले के वीडियोज देखने हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और वहां वेट लॉस सिलेक्ट कीजिए और सारे वीडियोज देख लीजिए.